उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को साफ सुथरा रखने के लिए योगी सरकार ने गार्बेज वेंडिंग मशीन की शुरुआत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गार्बेज वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन के कारण अब आपको खाली बोतल या दूसरी बेकार के सामान को इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। गार्बेज ATM यानी रिवर्स वेंडिंग मशीन में आप अपने बेकार के सामान को फेंक सकते हैं और आपको इसके लिए पैसा भी मिलेगा। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने 2 गार्बेज ATM का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की कड़ी में कूड़े के निस्तारण और प्रदेश को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई गार्बेज ATM मशीन एक क्रांतिकारी कदम है। आम शहरी कूड़े कचरे को इस मशीन में डालकर आमदनी भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गार्बेज ATM मशीन को पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मशीन में एक प्लास्टिक की बोतल डालने पर 1 रुपया मिलेगा, कांच की बोतल डालने पर 2 रुपया मिलेगा। जो भी कैश मिलेगा वो ई वॉलेट में जाएगा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।